अस्सलामुअलैकुम। शाही शीरमाल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप्स मैदा। मैदे को अच्छे से छानने के बाद यूज़ करिए। 1/3 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से शीरमाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप कंडेंस मिल्क यूज़ करिए। 1/3 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप शीरमाल में ज़रूर यूज़ करिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और इससे शीरमाल सॉफ्ट भी बनते हैं। 1/2 कप घी। शीरमाल में घी ही डलता है, इसलिए आप घी ज़रूर यूज़ करिए। घी आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा, थोड़ा सा अंडा हम रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सारे चीज़ों को हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए, दूध की जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दूध यूज़ करिए। दूध से शीरमाल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसका हम डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी हो गया। घी इसमें ज़्यादा रहने की वजह से दूध इसमें बहुत कम लगता है। ये जो दूध बच गया इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब डो को हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पे हम घी लगा लेंगे ऊपर और नीचे की साइड। अगर आपको शीरमाल थोड़े क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें 1/4 कप रवा भी डाल सकते हैं। अब डो को हम कवर कर देंगे 1 घंटे तक। 1 घंटा हो गया, डो को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो अच्छे से फर्मेंट हो गया। इसे हम 5-10 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5-10 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और चिकना चिकना जैसा हो गया। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। इस तरह के पेड़े बना लेंगे। मैं पेड़े थोड़े बड़े ले रही हूँ, आप चाहो तो छोटे भी ले सकते हैं। सारे पेड़े मैं बना ली। 2 कप मैदे में मैं 5 पेड़े बनाई, आप चाहो तो थोड़े बड़के भी बना सकते हैं। पेड़े को हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सूखा आटा लगा सकते हैं। हाथ से हल्का सा प्रेस करने के बाद इसे केवड़ा वाटर लगाएंगे। आप चाहो तो पानी भी यूज कर सकते हैं। केवड़ा वाटर से अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं चॉप किए हुए, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम शीरमाल पे लगा लेंगे। अब इसे हम बेलन से बेल देंगे ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से चिपक जाए। सारे ड्राई फ्रूट शीरमाल पे अच्छे से चिपक गए। शीरमाल की हमें इतनी थिकनेस चाहिए। बेकिंग ट्रे पे मैं बटर पेपर रख ली और बटर पेपर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ली। इस पे हम रेडी किया हुआ शीरमाल रख लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा शीरमाल भी रेडी कर लेंगे। आप चाहो तो शीरमाल को डायरेक्ट बटर पेपर पे रख के भी बड़ा कर सकते हैं। पहले इसे हम हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। केवड़ा पाउडर लगाएंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सारे शीरमाल पे मैं ड्राई फ्रूट डाल दी। फोक की हेल्प से इसे हम हल्का सा प्रिक कर लेंगे। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, वरना शीरमाल फूल सकते हैं। बचा हुआ 1 अंडा था, इसमें 1 टेबलस्पून बचा हुआ दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे शीरमाल पे लगा देंगे।
अब चाहो तो खाली दूध भी लगा सकते हो। और ओटीजी को मैं 200 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट भी कर ली थी। अब इसे हम 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। शिरमाल बेक हो गया, इसे हम ओटीजी से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह शिरमाल का बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आया और माशाल्लाह खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है जैसे कोई केक या बिस्किट बेक किए हैं। गर्म रहने की वजह से अभी बहुत सॉफ्ट है, इसे आप अभी बेकिंग ट्रे से मत निकालिए वरना ये टूट सकते। इसे हम 5 मिनट तक कवर करके रख देंगे। अच्छे से कवर करिए वरना ये शिरमाल हार्ड हो सकते हैं। 5 मिनट हो गए, शिरमाल थोड़े से ठंडे हो गए, माशाल्लाह इतने अच्छे से बेक भी हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये गरम किया हुआ घी है, घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। घी में हम थोड़ा सा सैफ्रॉन डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सैफ्रॉन ऑप्शनल है। घी को हम शिरमाल पे लगा लेंगे सामने और पीछे के साइड। इसी तरह से हम सारे शिरमाल पे घी लगा लेंगे। सारे शिरमाल पे घी लगाने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि शिरमाल घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। मिनट हो गए, माशाल्लाह शिरमाल रेडी है। आप इसे स्नैक जैसा भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं। मेरे हस्बैंड और बच्चे इसे स्नैक जैसा यूज करते हैं, आप ही अपने बच्चों को जरूर बनाकर खिलाइए, काफी मजेदार और हेल्थी भी होते हैं। मैं आपको इसे कट कर दिखाती हूँ। दे सकते हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर 2 वीक्स के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज या बिना फ्रिज के। अस्सलाम वालेकुम, वाओ माशाल्लाह बेहतरीन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।